अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सब कहते हैं कि हम कढ़ी में जब पकोड़े डालते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपके पकोड़े ना टाइट होंगे और बिल्कुल फुले फुले बनेंगे, वो भी बिना बेकिंग सोडे के। और आज हम कढ़ी बिना दही के बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने 3 छाछ के पैकेट लिए हैं। ये सादा छाछ है, आप चाहें तो मसाला वाला छाछ भी ले सकते हैं। एक बड़ा बर्तन या एक बाउल ले लें, उसमें इन तीनों सादा छाछ के पैकेटों को निकाल दें। कढ़ी बनाते वक्त अगर आपको पता होगा कि बेसन इसमें कितना डालना है तो आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इस छाछ के अंदर हम बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने 5 चम्मच भरकर बेसन के लिए हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आपको भी इसी तरह 5 चम्मच भरकर बेसन के लेने हैं। अब इस छाछ के अंदर इस बेसन को अच्छे से मिला लें। बेसन बिल्कुल सही से मिलना चाहिए, इसमें कोई गांठ वगैरह नहीं रहे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/4 चम्मच और हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, नमक लिया है 1.5 चम्मच। आप इन सब चीज़ों को अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब एक इसमें मीडियम साइज की प्याज को बारीक पीस कर डाल देंगे। मैंने आपको प्याज का साइज दिखा दिया है कि कितना बड़ा लेना है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला देंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे। कढ़ी बनाते टाइम हमें पानी का भी मेजरमेंट पता होना चाहिए कि कढ़ी में कितना पानी डालना है। यहाँ मैंने कढ़ी में 5 गिलास भरकर पानी डाला है। अगर आपके गिलास मीडियम साइज के हैं तो आप 6 गिलास डाल दें। पानी डालकर कढ़ी में अच्छे से मिला लें। अब यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। उसके अंदर 1/4 स्पून हींग डालेंगे। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे। इन सब चीजों को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब जो हमने यहाँ कढ़ी का बैटर बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। और इस कढ़ी को लगातार चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कढ़ी में एक उबाल नहीं आ जाता। कढ़ी में लगातार चम्मच ही चलाना है वरना कढ़ी नीचे लग जाएगी। जब इसमें उबाल आ जाए तब चम्मच चलाना बंद कर दे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने रहने देते हैं। अब कढ़ी के लिए पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी भरकर बेसन लिया है। बेसन में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इस बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बैटर बना लेंगे। बेसन के इस घोल में 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी ही डालना है, ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना। अब मैं आपको बिना सोडे के पकौड़िया सॉफ्ट और मुलायम कैसे बनाते हैं फूली फूली, चलिए आपको ट्रिक बताती हूँ। आप बेसन को देख रहे होंगे कि किस कलर का है और कितना गाढ़ा है। बेसन को हमें लगातार 3 से 4 मिनट तक चम्मच से ऐसे ही फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में। आप देख रहे होंगे बेसन कितना ज्यादा फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। 1 कटोरी में पानी ले लें। अब बेसन को थोड़ा सा इसमें डाल दें। अगर बेसन ऊपर तैर रहा है तो बेसन बिल्कुल परफेक्ट फेटा है, अगर नीचे बैठ गया है तो थोड़ी देर के लिए इसे और फेंट लें। बेसन को आप जितनी देर तक हाथों से फेंटेंगे उतने ही बेसन की पकौड़ियाँ सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। अब यहाँ मैंने तेल को गर्म करके रख लिया है। अब तेल में चम्मच से छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकौड़ियों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख रहे होंगे कि पकौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब हम इन पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ी को भी हमने 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, बस अब हमें इतनी ही गाढ़ी इसे करनी है, इससे ज्यादा इसे गाढ़ी नहीं करनी। अब इसके अंदर जो हमने पकौड़ियाँ बनाकर रखी थी वो डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि पकौड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं और फूली भी नहीं है। पकौड़ियों को कढ़ी में डालकर 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो पकौड़ियाँ अपने आप फूल जाएंगी और कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। अब हम कढ़ी के लिए तड़का बना लेते हैं।
यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। अब इस तेल में 1/4 स्पून हींग डालेंगे, 1/4 स्पून मेथी दाना और राई डालेंगे, 3 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इन सब चीजों को कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस तेल के अंदर 1/4 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसमें मिर्च नहीं होती, इससे कलर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब तड़का लगा दें। जब भी आप कड़ी में तड़का लगाएं तो हमेशा सरसों का तेल का लगाएं, इससे कड़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब कड़ी को ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद कड़ी को सर्व करें। जिस तरह चाहें आप कड़ी को सर्व करें, चावल के साथ या रोटी के साथ। अब मैं आपको पकौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे कि पकौड़ी कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। एक बार आप इस कड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी कड़ी कितनी अच्छी बनी और पकौड़ियाँ कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।